हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ रिव्यू फाउंडेशन का, जो कि है मेबलिन फिट मी रेंज का। दिस इज़ देयर मेड प्लस पोरलेस फाउंडेशन। सो एक्चुअली आई हैव टू शेड्स, और ये भी बताऊंगी आगे कि ये टू शेड्स मैंने क्यों लिए हैं। और अगर आप भी एक बिगनर हैं और जानना चाहते हैं कि अपने राइट फाउंडेशन शेड को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, सो वीडियो में आगे बने रहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले मैंने ये छोटा वाला पैक लिया था, बिकॉज़ नॉर्मली जो है मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। डेली बेसिस पे आई यूज़ बीबी क्रीम। सो फाउंडेशन मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, और ओकेजनली बोल सकते हैं यूज़ करती हूँ। सो हमेशा जब भी मैं फुल पैक खरीदती हूँ तो वो ऑब्वियसली एक्सपायर हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार छोटा वाला लेती हूँ। तो जब मैं मॉल में गई थी और ऐसे से मैंने बात की, तो मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आई वॉन्ट दी स्मॉलर वन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दी फुल साइज प्रोडक्ट। तो उन्होंने फिर मुझे शेड्स जब दिखाने स्टार्ट किए, तो एक्चुअल में आई वॉज कन्फ्यूज बिकॉज एज पर हर दिस शेड वॉज ओके। पहले मैंने अपने रिस्ट में ट्राई किया था, तो रिस्ट में ट्राई करने के बाद दिस शेड वॉज दिस 310 फिट मी वॉज ओके। समहाउ आई वॉज कन्विंस्ड, सो मैंने ये वाला परचेज कर लिया। सो मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने जो फाउंडेशन का शेड था वो सेलेक्ट किया, वो चेक किया, टेस्ट किया अपने रिस्ट पे। आपको कभी भी जब भी फाउंडेशन लेना है, कभी भी अपने रिस्ट पे चेक नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू चेक दैट शेड ऑन योर जॉ लाइन। जॉ लाइन पे कर लेंगे या फिर नेक पे भी कर सकते हैं, तो वो बेटर रहता है। बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि जो हमारे रिस्ट का कलर होता है और हमारे जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो अब बात करते हैं मेरे स्किन टोन की। मेरा जो स्किन टोन है वो मीडियम स्किन टोन है, एंड मेरे जो अंडरटोन्स हैं वो येलो हैं। सो जब मैं घर पे इसे ले आई और मैंने इसे एक दो बारी यूज़ किया, तो ऑक्सीडाइज्ड तो नहीं हुआ मेरा फेस, लेकिन आई फेल्ट कि मेरा जो फेस है मुझे थोड़ा सा डल फील हुआ। आपको एक वैसे तो आई नो फाउंडेशन लगाने के बाद इट इज़ नॉट लाइक कि आप फाउंडेशन लगाएंगे और आपका स्किन टोन वन और टू शेड्स लाइटर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने फाउंडेशन लगाया है और आपका फेस जो है आपको डल फील हो रहा है। दूसरी बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैं जब इसे परचेज करने गई थी फाउंडेशन को, तो दैट टाइम इट वॉज समर और मेरी स्किन थोड़ी सी टैंड भी थी, तो मे बी शायद उसकी वजह से मेरा शेड मुझे थोड़ा गलत आ गया। सो इसीलिए आपको जब भी अपना फाउंडेशन परचेज करना है, तो ऑलवेज़ ट्राई करना है कि आप अपना फाउंडेशन जब लेने गए हैं तो उस टाइम पे आपकी स्किन जो है टैंड नहीं होनी चाहिए, आपकी स्किन पे मेकअप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी स्किन पे मेकअप होगा या फिर आपकी स्किन टैंड होगी, तो ऑब्वियसली आपका जो शेड आएगा फाउंडेशन का वो गलत है। अभी ये तो बात होगी कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका रिव्यू, कि ये फाउंडेशन एक्चुअल में है कैसा और whether you should buy it or not. So सबसे पहले तो प्राइस की बात करते हैं। प्राइस जो है फुल साइज़ का है 545 रुपीज़, और 545 रुपीज़ में हमें मिलता है 30 ml कंटेंट, और जो स्मॉल वाला है उसमें हमें 299 रुपीज़ में मिलता है 18 ml कंटेंट। सो मैंने एक चीज़ बस इन दोनों में ये नोटिस की है, बाकी तो सब कुछ सेम है। थोड़ा सा ये जो ट्यूब वाला है फॉर्मूला मुझे थोड़ा सा लिक्विडी लगा। थोड़ा सा मुझे बोल सकते हैं कि उसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू दिस बॉटल वन। और शायद ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज़ जब भी हम बॉटल को यूज़ करते हैं तो वी ऑलवेज शेक दिस बॉटल। सो उससे क्या होता है कि पूरा फार्मूला जो है अच्छे से मिक्स हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करें ट्यूब की, तो ट्यूब तो ऑब्वियसली आप उठाएंगे और निकालेंगे प्रोडक्ट और यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो पैकेजिंग जो है दोनों ही बोलूँगी बहुत अच्छी है ट्रैवलिंग के लिए। ये वाली तो आपको पता ही है, ट्यूब तो इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर ट्रैवलिंग, बट ये वाली जो पैकेजिंग है ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और आती है एक पंप के साथ। पहले जो है इसमें पंप नहीं आता था, लेकिन अब इन्होंने पंप भी ऐड कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग है। बाकी एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई लोगों को पता नहीं होता है कि ये वाला जो आप निकालेंगे स्टिकर, तो इसमें जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशनड होते हैं। पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, तो ये यहाँ पर मेंशन होते हैं, इसीलिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे सो ये जो बॉटल पैकेजिंग में है, इसमें हमें मिलते हैं 18 शेड्स, और बहुत अच्छी शेड रेंज है। इंडियन स्किन टोन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे शेड्स दिए गए हैं। जो इसका शेड्स का चार्ट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी, ताकि आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। सो इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये वाले जो ट्यूब फॉर्म में जो आता है इनका छोटा वाला वेरिएंट, इसमें शेड्स जो हैं सिर्फ 6 हैं। पूरे शेड्स अवेलेबल नहीं हैं और इन्होंने लॉन्च भी नहीं किए हैं, तो जिन लोगों के शेड्स नहीं हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप
आपको अगर छोटा वाला पैक लेना है लेकिन वो शेड जो है आपके स्किन टोन से मैच नहीं करता है तो आप वो प्लीज़ डू नॉट बाय, बिकॉज आप फिर उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो शेड्स हैं, एक तो शेड है 310 सन बेज एंड जो दूसरा शेड है वो है 228 सॉफ्ट टैन। तो ये दोनों शेड्स में शेड जब मैंने अपनी स्किन पे लगाया, मैं आपको डेमो भी दिखा दूँगी, तो ये वाला शेड लगाने के बाद मेरी स्किन जो है मुझे ठीक है, थोड़ी सी डल लगती है, लेकिन ये वाला शेड जब मैं लगाती हूँ तो मुझे मेरी स्किन जो है बहुत ही थोड़ी सी ब्राइट लग। सो दिस इज़ अ मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन। अगर आप इसकी फर्स्ट लेयर लगाएंगे तो आपको मीडियम कवरेज मिलेगी, और अगर आप बिल्डअप करेंगे इसको, यानी कि लेयर अप करेंगे, तो फुल कवरेज भी दे सकते हैं। ऑक्सीडाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरी स्किन पे दोनों ही शेड को लगाने के बाद। प्लस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपको जो है पहले आप प्राइमर एप्लीकेशन ज़रूर करें अपनी स्किन पे, बिकॉज़ अगर आप प्राइमर नहीं लगाएंगे तो जो आपके पोर्स हैं उनमें ये फाउंडेशन जो है सेटल हो जाता है। सो इट इज़ नॉट, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मेट प्लस पोरलेस, मेट तो ये एब्सोल्युटली है, लेकिन पोरलेस आई वुड से नो, इट्स नॉट पोरलेस एक्चुअली, क्योंकि ये पोर्स में सेटल हो जाता है अगर आप इसको विदाउट प्राइमर यूज़ करते हैं तो। बाकी इसकी लॉन्जिविटी की अगर हम बात करें तो 7-8 आवर्स ईजिली ये रहता है स्किन पे। 4-5 आवर्स के बाद थोड़ा सा जिनका भी स्किन जो है ऑयली है वहाँ से इनको थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी टचअप करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आई मीन पाउडर से सेटल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरी स्किन जो है वो विंटर्स में ड्राई है एंड समर में इट्स लाइक नॉर्मल, और टी जोन ऑयली है मेरा। टेक्स्चर इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे से ये स्किन पे जो है ब्लेंड हो जाता है एफर्टलेसली, आप स्मूथ प्लीज इसको ब्लेंड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है ब्लेंडिंग में, और सेटल भी ये बहुत जल्दी हो जाता है। लाइक आपको 15-20 मिनट वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही इसकी एप्लीकेशन देंगे विद इन 2-3 मिनट्स ही ये सेटल हो जाता है स्किन पे, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और स्किन में सेटल होने के बाद बिल्कुल ये नेचुरल फिनिश देता है, ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि आपने कुछ अपने स्किन पे जो है एक्स्ट्रा मेकअप किया हुआ है, या फिर कुछ फाउंडेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं आपके फेस पे वो दिख जाता है, लेकिन ये वाला जो फाउंडेशन है बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। सो अगर आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं तो आप ये जो ट्यूब वाला है ये ले सकते हैं, बिकॉज क्वांटिटी भी कम है, और सिंस आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मैं भी पहले यूज़ नहीं करती थी और बहुत सारा जो प्रोडक्ट होता था वो वेस्ट होता था क्योंकि एक्सपायर तो ये हो ही जाता है 3 ईयर्स में, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको ये वाला ट्यूब वाला लेने का। लेकिन अगर आपका शेड नहीं मिलता है, सिंस शेड सिर्फ 6 अवेलेबल हैं, तो डू नॉट बाय दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये छोटा पैक है और प्राइस इसका कम है, बिकॉज आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन देख रहे हैं अपना डेली वेयर के लिए या फिर पार्टी के लिए भी, तो दिस इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन। ड्राई स्किन के लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। ड्राई वाले भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं अगर अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। सो ऑल राइट, ये था आज का वीडियो अबाउट दिस फाउंडेशन। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड आई सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।